गेस करो मैं अभी कहाँ हूँ। जस्ट अभी यहाँ से मैंने बैंड स्टैंड की बस पकड़ के यहाँ पे उतरा। सामने ही समुंदर और मेरे ही पीछे मेरे जो आइडल है, इंस्पिरेशन है, उनका घर द शाहरुख खान हाउस देख सकते हैं। मन्नत। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो वैसे तो आपके लिए गुड मॉर्निंग नहीं है, मेरे लिए गुड मॉर्निंग है। सुबह उठा, नहाया धोया और निकल गया। अभी जो बचने वाले हैं 12, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से बैंड्रा। बैंड्रा इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे देखना है किंग शाहरुख खान एंड सलमान खान का घर। तो यार चलता हूँ यहाँ से। मैं अभी हूँ चरनी रोड स्टेशन पे, तो निकलते हैं यहाँ पे। मेरे पीछे जो लोग हैं, लड़कियाँ हैं, मैं देख रही हूँ व्यूअर तरीके से। और यहाँ पे सायरन बज रहा है, तो मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं यहाँ की वीडियो बहुत बॉम्ब बनाने वाला हूँ। तो वीडियो देखो यार, मैं अपने फेवरेट स्टार से मिलने जाने वाला हूँ, सुपरस्टार, आखिरी सुपरस्टार। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो मैंने लिया है अभी चरनी रोड से टिकट जो जाएगा बैंड्रा, और जाते हैं यार यहाँ से जल्दी से। अभी ट्रेन यहाँ पे कहाँ पे आएगी मुझे कुछ पता नहीं, जहाँ पे भी आएगी जल्दी आओ यार। कब से रुका हूँ यहाँ पे ट्रेन आने की राह में, क्या पता कब आएगी कब आएगी, और मुझे इतना पता भी नहीं है स्टेशन का। अभी लगता है अभी जस्ट आने वाली है, तो जल्दी से आए यार, तो जल्दी से जा पाऊँगा मैं। मुझे मुंबई बहुत पसंद है यार, मतलब यहाँ की ट्रेन भी सब कुछ बहुत सही है। अभी शायद से इधर पे आने वाली ट्रेन वही रहेगी, तो इससे जाऊँगा मैं। फाइनली अभी मेरी लोकल तो आ चुकी है, मेरी मतलब मैं जिस लोकल में जाने वाला हूँ वो। अभी चढ़ता हूँ इसमें यार जल्दी से, अभी सेकेंड क्लास में चढ़ना है। बट मुझे जिधर अच्छी जगह मिले, अच्छा व्यू मिले, उधर ही जाऊँगा मैं। Please arrange carefully to choose. Platform is on left side. So guys, मैं हूँ अभी बैंड्रा स्टेशन पे, और इधर से भी 2-3 किलोमीटर दिखा रहा है। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बस मिली तो बस से जाए, पर मुझे इधर का यार प्रॉपर इतना कुछ पता नहीं है। और बस के लिए लाइन भी देखो यार, मैं लिटरली किधर जाऊँ कैसे जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी सोच रहा हूँ यार, मुझे स्टेशन अच्छा लगा बैंड्रा वाला। अभी देखता हूँ कैसे, तो मैप विप देख के चलता हूँ। चलती का नाम जिंदगी है दोस्तों, सो चलो यहाँ से देखते। मैंने वहाँ पे एक लेडी से पूछा, तो वो बोली इधर 211 से लगेगी, मतलब शायद से ये स्टॉप से लगेगी। तो चलते यार यहाँ से, मतलब वो उधर ही है वो लड़की। एंड थैंक यू सो मच मुझे रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बांद्रा में नया और मुझे यहाँ पे लिटरली एक भी टैक्सी नहीं दिखाई दे रही है, मुझे रिक्शा ही दिखाई दे रही है। और शायद से रिक्शा वाले ज़्यादा ले, क्या पता। अभी इधर भी किसी से पूछे, अच्छा नहीं लग रहा यार, मुझे मन्नत के पास जाना है, कैसे जाओ तो पूछना। तो देखते गेस करो मैं अभी कहाँ हूँ। जस्ट अभी यहाँ से मैंने बैंड स्टैंड की बस पकड़ के यहाँ पे उतरा। सामने ही समुंदर और मेरे ही पीछे मेरे जो आइडल है, इंस्पिरेशन है, उनका घर द शाहरुख खान हाउस देख सकते हैं। मन्नत। शायद ये शाहरुख खान सर जो दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे रुकते हैं यार, मतलब इतने पास होते हैं वो। मुझे लगा बहुत दूर, मतलब वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है बहुत दूर है, बट बहुत पास है यार लिटरली। और यहाँ पे कंटिन्यूसली भीड़ लगी रहती है शाहरुख खान के घर के सामने। भाई जाने दो मुझे भी अंदर। अभी सोच रहा हूँ यहाँ पे एक लेजेंडरी पोज डालू द किंग खान के साथ, बट वो तो नहीं आ सकते, मुझे ही करना होगा वो लेजेंडरी पोज उनका।
तो दौरे घूमता हूँ यार यहाँ पे। सो गाइस बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरे पास यहाँ पे बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। मतलब लिटरली मैं यहाँ पे आने के बाद बैठा ही हूँ यहाँ पे, मैं हिला ही नहीं, किधर गया ही नहीं, फोटो खिंचवाने नहीं गया यार। मैं लिटरली ये सोच रहा हूँ शाहरुख खान सर इतने पास आके लोगों से उनके बर्थडे के दिन फोटो खिंचवाते, मिलते हैं, हाथ करते हैं, इतने पास। और मेरा सपना है मैं एक दिन यहीं पर ही बैठूँ, दो साइड मेरे शाहरुख खान सर हो, तो वो भी मैं जब बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा तब हो सकता है। रख विश्वास, विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। और मैं दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ पे फोटो वीटो खींचता हूँ, बट मेरे साथ कोई आया नहीं फोटो खींचने वाला, और मुझे वो लेजेंडरी पोज भी करना था यार। देख सकते हैं वहाँ पे बच्चे लोग फोटो खींचा रहे हैं, और ये जो ऊपर है नेट वाला, वहाँ पे शाहरुख खान सर खड़े रहते हैं, सबको हैंड वेव करते हैं, और उनके सामने ये इतना प्यारा बीच व्यू लिटरली। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे फोटो खिंचवाने, शायद कोई तो मेरा फोटो खींच दे, मन्ना। गाइस ये मैं हूँ, और मेरे पीछे द किंग शाहरुख खान का घर है, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अभी जाया जाए बांद्रा फोर्ट, जो कि मुझे बहुत दिन से देखना था, क्योंकि उधर बहुत सी मूवी बनती है और मैंने उसको बहुत बार देखा है यार मूवी में। तो सोच रहा हूँ अभी इस बीच के रास्ते से सीधे सीधे बांद्रा फोर्ट या कौन सा फोर्ट है उधर जाए, तो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से यार। देख सकते हैं बीच यार, बीच साइड में ऐसा घर हो, देख सकते हैं यहाँ से शाहरुख खान सर का घर दिख रहा है एक नंबर, यही है घर यार। यार आदमी ने, वो आदमी मेहनत भी इतनी की और घर भी इतने जबरदस्त जगह पे लिया है, इस जगह की ब्रांड वैल्यू एक ही आदमी ने बढ़ाई भाई, शाहरुख खान। इस जगह की वैल्यू बहुत बढ़ाई भाई शाहरुख खान ने। अभी मैं आया हूँ बीच पे, जो कि बहुत जोर से पानी आ रहा है भाई यहाँ पे, तो सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ खाया जाए या डायरेक्ट वहीं पर ही जाया जाए। मैं मुझे लगता था यहाँ से रोड है, बट यहाँ से रोड नहीं है यार, और बीच का आवाज़ आ रहा है, और उस साइड है द किंग ऑफ बॉलीवुड है शाहरुख खान। खान को क्या बोल रहे थे, भाईजान ऑफ बॉलीवुड है सलमान खान, तो उनका घर है उस साइड। तो मैं पहले तो सोच रहा हूँ इस साइड जाया जाए और देन इस साइड जाया जाए, तो लेट्स गो चलते हैं। मैं आपको एक डेंजरस चीज़ दिखाने चाहता हूँ, जो कि मुझसे कभी होएगी नहीं, इतनी डेंजर चीज़ है वो। देखो यार बच्चे डायरेक्ट पानी में ऐसे फेंकते हैं और भाग के अभी डायरेक्ट उड़ी मारेंगे ये लोग, भाई उनको डर नहीं है किस चीज़ का यार, मेरे को उड़ी मारेंगे, अरे धक्का विक्का देता है ये। देखो कुत्ता भी आ गया उन लोग का, डायरेक्टली उड़ी मारते हैं यार लिटरली। देखो अभी वो, देखो पीछे वाला बच्चा कैसे भाग के जाएगा अभी, अभी देखो। अबे यार लिटरली, मतलब ये बच्चे लोग बहुत डेंजर, अबे यार खतरनाक खतरनाक। मैं कमेंट्री कर रहा हूँ इन लोग की, अबे ये कुत्ता मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कल्टी मारूं। मैं आ चुका हूँ अभी बांद्रा फोर्ट के पास, और इसके बाद मैं निकलने वाला हूँ एक स्पेशल ब्लॉग। मैं जाने वाला हूँ एक मुंबई के मोस्ट फेमस रैपर से मिलने, जिनका नाम है विजय डी के। तो यार ये ब्लॉग पहले आएगा, तो उस ब्लॉग के मैंने आपको एक हाइप बना के दे दिए। देखो यार अभी यार, बट मुझे वो दूसरी साइड जाना था भाई, ये कौन सी साइड आ चुका है, मैं नीचे जाता हूँ यहाँ से। और देखो देखो सीलिंग, सीलिंग चालू है यार अभी। और गाइस मैं हुआ अभी सीलिंग के पास, और वहाँ पे देख सकते हो उस साइड क्या दिख रही है मुंबई सिटी, ऐसा लग रहा हो यार मैं लिटरली फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं आई एम नॉट इन इंडिया, आई एम इन अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया हूँ यार मैं।
गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास भी जाना है, और उधर से जाना है मुझे विजय डीके से मिलने, तो वो अलग ब्लॉग रहेगा। मैं पागल थोड़ी ना हूँ, एक ब्लॉग में सब कुछ दिखा दूँ, वो अलग ब्लॉग बनाऊँगा यार मैं। तो विजय डीके से मिलने जाऊँगा ना, मैं आपको प्रॉपर एड्रेस दे दूँगा उसका। तो उसके लिए आप इस वीडियो में आई थिंक 100 कमेंट, सॉरी 100 प्लस लाइक कीजिए, मैं विजय डीके का एड्रेस रिवील करूँगा उस वीडियो में आखिर में, और तभी उसके बाद ही मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो सोच समझ के यार, मैं कोई ये नहीं चाहता। मैं हूँ अभी बांद्रा स्टेशन पे वापस आ गया हूँ, मैं वहाँ से आया अभी जस्ट, और मैंने यहाँ से लिया वडाला का टिकट। मैं वडाला से जा रहा हूँ मानखुर, मानखुर जा रहा हूँ मैं विजय डीके से मिलने, क्योंकि यार मेरे दोस्त ने बताया कि जा तेरे को विजय डीके से मिलाता हूँ, तो उधर ही जा रहा हूँ। मैंने सलमान खान का भी घर देखा यार, लिटरली जैसा नाम वैसा घर है उसका, मतलब बिंग ह्यूमन उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता यार, बहुत सिंपल सा घर था उसका यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यार हाँ, अगली बार मुंबई आऊँगा तो मैं जुहू साइड जाऊँगा, जुहू साइड का मैं आपको सब घर दिखाऊँगा। तो यार अभी मैं जाता हूँ यहाँ से मानखुर, तो निकलता हूँ, इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही एंड, अगला करता हूँ नया ब्लॉग शुरू। आपको विजय डीके का एड्रेस चाहिए तो हाँ, इस ब्लॉग पे मुझे 100 लाइक्स दो, और मैं देता हूँ विजय डीके का ब्लॉग, सॉरी घर का एड्रेस। तो मैं करता हूँ इस वीडियो पर यहीं पर एंड। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे लाइक करके दिखाना, और वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट करना। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।